खबर है गोंदिया जिले से, जहां तालुका कीड़ा संकुल कामटा में मौजूद उपकरणों की हालत जर्जर स्थिति में है। प्रस्तुत है सीटीवी न्यूज प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार की रिपोर्ट। गोंदिया जिले के प्रत्येक तालुका में शासन ने तालुका क्रीड़ा संकुल बनाया है और इन संकुलों के रखरखाव के लिए शासन की ओर से बड़े पैमाने पर निधि आती है, लेकिन इस निधि का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा मामला तब सामने दिखा जब सीटीयू के विशेष प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार ने कामठा की क्रीड़ा संकुल का निरीक्षण किया, जहाँ क्रीड़ा संकुल में मौजूद जिम के सामान, वुडन बैडमिंटन कोर्ट आदि की अवस्था कहीं से ठीक नहीं लग रही थी। वहीं इस मौके पर सिटी न्यूज प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार ने वहाँ पर व्यायाम कर रहे कुछ लोगों से बातचीत की, तो सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पे? नहीं सर, देते हैं। अभी एक दो दिन हो गया आए थे। एक दो दिन हो गया आए थे, लेकिन तो काफ़ी दिन से टूटा पड़ा ही है। हाँ, उसको फिर मतलब कोई अधिकारियों का ध्यान नहीं है यहाँ पर जी। तो ये यहाँ का ये जो हालत है, ये शुरू से ऐसा है कि इसको कोई ध्यान नहीं देते इसकी ओर? नहीं, अब नहीं दे रहे। अभी कोई ध्यान है यहाँ पर कोई? हम जैसे अभी यानी 10 दिन होते आ रहे, तो वैसे ही है ये सब टूटा पड़ा हुआ है। अच्छा, क्या नाम है आपको? नरेश बंसो। नरेश बंसो, और आप लोग यहाँ एक्सरसाइज करने आ रहे हैं कि कुछ सिर्फ घूमने या क्या? एक्सरसाइज करने आते तो अभी तो आ रहे हैं। एक्सरसाइज करने आ रहे, वेरी गुड। क्या नाम आपका? विशाल लल्लार। यहाँ पर क्या क्या कमी है, क्या होना चाहिए? और भी बहुत कुछ सामान होना चाहिए जो नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। अब है क्या कुछ सही सलामत है? सब कुछ सही सलामत तो नहीं है, सब नहीं है सही सलामत, सब टूटा हुआ है। हाँ, कुछ नहीं है और कुछ सामान टूटा हुआ भी है। सब टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई कोच वगैरह कोई आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं आ रहा। कोई भी नहीं आता? कोई नहीं आ रहा। अच्छा, और क्या नाम है आप जो एक्सरसाइज कर, क्या नाम है आपका? दीपक मिंडे। दीपक जी, क्या कहना है यहाँ के लोग और कोचेस के बारे में? कोचेस तो आते नहीं और लोग कोई ध्यान देता नहीं। इस खबर के अंत में प्रशासन से हम यही गुहार करते हैं कि कम से कम इस संकुल की ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द इस परिसर में सुधार लाए। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि मुक्तेश सरकार की रिपोर्ट।